So where the time right now is 10:54 AM here in the morning and temperature is 38 degrees. आज मैं अपना as well बड़ा वाला कैमरा नहीं लेके आया हूँ, छोटा वाला कैमरे से इस काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने को आज दुबई मॉल जाना है. दुबई मॉल में as well बड़ा वाला कैमरा अलाउड नहीं है. So वहाँ we have to go for some shopping first. So one of my friend has come all the way from Gujarat. पुछ से आया हुआ है मेरा दोस्त पार्थ पटेल. So अभी उसको मैं जा रहा हूँ पिक करने. वहाँ से हम लोग जाएंगे दुबई मॉल जाके, उसके लिए एक मैकबुक लेना है. मैकबुक लेंगे, उसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो भी जरूर आएगा. सो अभी फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट टॉकिंग टू पोर्शा गाइस सिंस लास्ट 1 आवर. भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बहुत है, प्रोसेस मतलब कुछ इजी नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब स्ट्रेस्ड है एंड बहुत टाइम लगता है. यहाँ अभी दे आर नॉट अलाउइंग मी टू सी द पीडीए. जैसे जी वैगन के टाइम में पूरा 12 या 13 घंटा पूरा मर्सिडीज के शोरूम में रह के पूरा पीडीए मतलब पूरा हाईटेक वाला पूरा जो जॉब था मैं पूरा वहाँ पे देख रहा था. पर यहाँ पे दे आर नॉट अलाउइंग वोसेज की वहाँ पे ये यहाँ पे अलाउड नहीं, आप देख नहीं सकते. जैसे गाड़ी शोरूम पे आएगा आफ्टर दैट ओनली यूड बी एबल टू सी द कार, टिल देन यूड नॉट बी एबल टू सी द कार. सो वही है भाई, मतलब मे बी उनके लिए इट्स जस्ट समथिंग आइटम विच देर सेलिंग बट दे डोंट नो लाइक कार्स आर समथिंग स्पेशल फॉर अस. बट एनी वेज तो वही प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. पहले मेरे को एक बार अबू धाबी जाना पड़ेगा, वहां जाके पेमेंट्स वेमेंट्स क्लियर करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे IMPS वाला सिस्टम नहीं है कि आप पे कर दो इमीडिएट पैसा रिफ्लेक्ट करता है. जी वैगन का तो मैं फुल पेमेंट जाके मर्सिडीज के शोरूम में बैठ के वहीं पर ही किया था 2 सेकंड. बट यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे आपको पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स आपको पूरा वेट करना पड़ेगा. सो दैट इज वन इशू अगेन. सो उसके लिए मेरे को पे करके फिर घर लौटना पड़ेगा 150 किलोमीटर्स. उसके बाद आने के बाद फिर वहां से वो पेपर्स लेके आना पड़ेगा. पेपर्स लेके यहाँ मेरे को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, नंबर प्लेट्स के लिए, उसको लेके और एक बार जाना पड़ेगा अबू धाबी. उस दिन में भी मेरे को बस या ऑटो या फिर रिक्शा या फिर उबर की कोई ना कोई एक लेके मेरे को फिर अबू धाबी जाना पड़ेगा फॉर द डिलीवरी डे. सो काइंड ऑफ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस एंड बोरिंग प्रोसेस. वो जो एक्साइटमेंट रहता है कार का वो थोड़ा उठ चुका है. बट एनीवेज देखते हैं हाउ सून वी कैन फिनिश दिस. सो एनीवेज अभी अपने को जाना है JW Marriott Marquis Sheikh Zayed Road. वहां से जाके आई एम गोइंग टू पिक पार्थ, देन वी विल गो टू दुबई मॉल. चलो यार क्या गर्मी है खतरनाक. कैसे हो? ठीक. चलें दुबई मॉल. MacBook Pro ना, M2 Air कौन सा लेना है तुम बताओ? पैसे वाले हो तो M1 Pro Max. जो मुझे एडिटिंग नहीं है, पैसे का इश्यू नहीं है. नहीं एडिटिंग नहीं चाहिए ना तो M2 Air चलेगा, ब्लैक वाला. ये ले लेंगे M2 Air जो नया वाला है ना, क्योंकि लाइट वेट तुम्हें चाहिए, एडिटिंग वेट तो करना नहीं है. क्या बनाया हुआ पोजीशन? पोजीशन क्या है मार्केट में? मैं एग्जिट मार के आ गया क्योंकि देख नहीं पाऊंगा तो फिर मैं एग्जिट मार के आ गया. आज लोग नहीं है, नॉर्मली यहाँ पूरा भीड़ रहता है, तो अगर लंबा लाइन लगा रहता है आज कैसे पूरा भीड़ ही नहीं है. चलो देखते हैं. ये ब्लैक वाला सिल्वर कलर लग गया. सिल्वर कलर क्या कॉमन हो जाता है? सिल्वर कलर कॉमन हो जाता है. ये वाला नया है मिड नाइट ब्लैक. ये सिल्वर लोग भी ले भी सकते हो. सिल्वर में एक ही है कि जो ये सब लग जाता है, तो हाथ का ये रहे ना तो इसे साफ करना पड़ता है. तो सिल्वर तो कॉमन है, सिल्वर इज कॉमन. मैकबुक एयर M2, यस M2 कितना है? M1 चिप, अपने को M2 चाहिए ना. तुम्हें तो 250 GB हो जाएगा. 250 GB भी चलेगा, काम कर देगा. तो अगर 5000 है मतलब 5000 से 5% पकड़ लो, कितना 5% निकलेगा. तो वैट रिफंड ये इंक्लूडेड है प्लस ये प्लस ये इंक्लूडेड है. 5000 टोटल लगे, 5000 से 5% माइनस कर दो. 5000 से 5 माइनस वैट रिफंड. बट मिडनाइट ब्लैक अच्छा दिखता है, नीट. 1,13,000 टोटल, उसमें से 5% माइनस करो, कितना रिफंड आएगा एयरपोर्ट में? 5% तो माइनस करके 1,00,000. इंडिया में कितना है ये? 1,00,000 स्टूडेंट को 1,10,000 दे रहे. तो अब तो उन तो स्टूडेंट नहीं है ना GST. वो तो अभी कलर कौन कौन से वो मुझे कलर यही तीन ही है. ये वाला मिडनाइट नया वाला, ये वाला तो मतलब सिर्फ गोल्डन वाला. ये सिल्वर है, ये ऊपर में लाइट जो येलो लगा ना वैसे दिख रहा है. यहाँ दिखा देगा वो कौन सा कलर है. ये जो है तुम जो बोल रहे हो ये सिल्वर वही वाला है. सिल्वर इज दिस. ये तो गोल्डन वाला कलर, ये मिडनाइट गोल्डन है. ये अलग है, ये अलग है. वो मैकबुक प्रो है, नहीं वो भी एयर है बट वो M1 है. दिस वन इज M2. ये है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये है. अभी प्रो में और इसमें क्या फर्क है? प्रो में डिफरेंस है कि प्रो में M1 चिप है, इसमें M2 है. बट M2 प्रो में M2 है, ये M2 है. M1 ये वाला M1 वाला चिप वाला है, तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है. इसमें क्या है कि इसमें लिक्विड डिस्प्ले चेंज हुआ है और अपना ये वाला चीज़ आ चुका है. अपना फेस डिटेक्शन तो पहले ही था, फेस मतलब फेस डिटेक्शन नहीं है.
खाली कैमरा के लिए ऐसा okay. एक नॉच आ चुका है okay. तो और कुछ ज्यादा देख लिया और कलर चेंज हो गया और M2 हो गया तो नया वाला ही ले लो, पुराना वाला M1 क्यों लोगे? M1 लास्ट प्रो का पूछो, प्रो में क्या है? प्रो तुम्हारे काम का कुछ नहीं है, प्रो वाला थोड़ा हेवी भी हो जाएगा, तुम्हें तो लाइट वेट चाहिए ना, लाइट वेट के लिए यही बेस्ट। 13 इंच ये नया अभी निकला है, बट इसमें देखो नॉच नहीं है 13 इंच वाला, ये 14 वाला ये नॉच है, ये वाला मेरा है 14 इंच, इसका थोड़ा बड़ा जो है ये है 16 इंच, थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है तो ये भी थोड़ा, हाँ ये लाइट वेट भी है ना, ये बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत बड़ा हो जाता है। बैटरी वो तो ज़बरदस्त, ये तो शायद 2 दिन चले जाएगा, ये मेरा 1 दिन से ऊपर चले जाता है, ये क्लोज टू 2 दिन ये चले जाएगा, ये बड़ा है। वीडियो सब इसमें देखो, मैं सब इसी में करता हूँ, सब 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 कुछ इसमें हो जाता है, ये खाली साइज़ बड़ा है, नहीं तो दोनों पूरा सेम ही। तो ये है अपना मैक मिनी का स्टूडियो, दिस इज द वन विच आई, ये वाला मैं अभी यूज़ करता हूँ, नेक्स्ट जाऊँगा तो इसको इंडिया लेके चले जाऊँगा, बेच के आ जाऊँगा, ये वाला ले जाऊँगा, ये नया वाला मॉडल है, ये 2021 या 2022, साइज़ तो ज़बरदस्त। ओह पूरा पोर्ट्स वोर्ट्स सब कुछ फुल, पूरा अच्छा वाला स्पीकर भी दे दिया है, लवली। एंड ये अपना एप्पल का प्रो डिस्प्ले जो नया वाला निकला है, देखे इतना पैसा क्यों है, मतलब इतना ज़्यादा है, देखो मैक स्टूडियो, दिस इज द मैक स्टूडियो, ये तो ये वाला डिस्प्ले कितना मालूम है, 4 या 5 लाख लेते हैं ओनली डिस्प्ले के लिए, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, खाली इसका नीट्स थोड़ा ज़्यादा है। इसमें मैकबुक में लैंग्वेज फिर अरेबिक आएगी ना? नहीं इंग्लिश वाला लेंगे हम, अरेबिक वाला नहीं लेंगे ना, हम इंग्लिश वाला मांग के लेंगे, उसको आने दो, एक बंदी आएगी वो आके देखा, हाँ वो आके देखा। और इसमें ऑफर है कुछ एयरफोन का, मैं उसको बोलूँगा डिस्काउंट वाला है ना, हाँ। इंडिया में स्टूडेंट मेरा भाई है, ओके मेरा भाई के लिए लेना। तो एप्पल स्टोर में हमारा अपना सामान नहीं मिला, एज यूजुअल मालूम था एप्पल स्टोर में सामान आते ही सबसे पहले यहाँ सबसे पहले सामान सेल हो जाता है, ये लोग क्या करते हैं प्री ऑर्डर मार के बैठ जाते हैं, जैसे ही सामान पहुंचता है ये लोग घर भेज देते हैं, लोग यहाँ 50 लोग लाइन में खड़े हैं, किसी को ही सामान नहीं मिलेगा, सारा सामान निकल गया होगा घर के एड्रेस पे। अभी चलते जाके देखते हैं वर्जिन स्टोर में है कि नहीं, अगर वर्जिन स्टोर में नहीं मिला लास्ट में जाना पड़ेगा दूर वाला स्टोर जहाँ से मैं अपना लेके आया था, वहाँ मिल जाना चाहिए, मैं जहाँ से लेके आया था पर बहुत थोड़ा दूर है। कौन से बर दुबई पे है, मतलब पहुँच चुके हैं अभी ओल्ड वाली दुबई, दुबई मॉल, ये मेरा अभी टूरिस्ट का सीजन नहीं है पर अभी लोग आते हैं ज्यादा क्योंकि ये टाइम पे थोड़ा कम रहता है सब कुछ। अरे यार बहुत अच्छी है जो होटल 5,000-7,000 ऊपर पूरा मस्त, और वही वाला जब सीजन के टाइम में पूरा 20-30 times मिलता है, ये टाइम में धूप रहता है ना तो लोग आते हैं, बट फॉरेनर्स यही टाइम में आते हैं कि उनको तो चाहिए ना धूप, जाने वो जाके सो जाएंगे, चड्डी पहन के सो जाएंगे पूरा पानी के पास, खाली गोल्ड का ही दुकान, चारों ओर गोल्ड हमारे यहाँ रहता है पर मालूम नहीं पड़ता है, यहाँ ज्यादा मालूम पड़ता है, ज्यादा मालूम क्योंकि पेड़ वेड़ नहीं है ना वहाँ पे, रात को ठंडा हो जाता है, यहाँ रात में पूरा गर्म होता है, पूरा 42-43 degrees रहता है, और वहाँ हमारा पेड़ भी है ना, चलते यहाँ पेड़ ही नहीं है, कहीं पेड़ ही नहीं दिख रहा है, पेड़ रहेगा तभी ना। तो अभी यहाँ मैंने जहाँ से लिया था अपना मैकबुक प्रो वो वाला दुकान को एक बार जाके देखते हैं कि अपने को चाहिए इंग्लिश वाला कीबोर्ड, इंग्लिश वाला कीबोर्ड के लिए ये पुराना वाला एरिया ही मिलेगा, ऑफिशियल स्टोर्स में इंग्लिश वाला कीबोर्ड मिलता ही नहीं है। M2 ये तो अरेबिक वाला कीबोर्ड है शायद, नहीं सिल्वर वाला पर इंग्लिश वाला कीबोर्ड पे, इसमें तो इंग्लिश और अरेबिक दो है शायद। मैकबुक एयर 13 इंच ये इंग्लिश है शायद, हाँ देखें ये क्या है, कौन सा कलर, सिल्वर, कहाँ पे सिल्वर दो है ना, एक मिनट एसपीजी स्पाइस ग्रे है ये, स्पाइस ग्रे टू, हाँ स्पाइस ग्रे, मैकबुक एयर M2 8 कोर थंडरबोल्ट। तो यहाँ पे वो वाला चीज़ तो मिला, हम लोग क्या चाहिए था, कौन सा कलर, स्टारलाइट मिला नहीं, सिल्वर मिला एंड फाइनली इंग्लिश वाला मिल गया, अरेबिक वाला जो था वो काम कर ही नहीं, सेम वाला है ना मैकबुक एयर M2, हाँ बस ठीक है यही वाला पार्ट नंबर इज मेन। चल 256 GB 13.6 मैकबुक एयर 8 GB यूनिफाइड मेमोरी SPG स्पेस ग्रे कम फिनिश, स्पेस ग्रे नहीं सिल्वर ग्रे, नहीं SPG स्पेस ग्रे, नहीं सिल्वर ग्रे नहीं, नहीं SPG स्पेस ग्रे, सिल्वर है ही नहीं उनके पास, अरेबिक है इसमें, ये स्पेस ग्रे कलर है, सिल्वर में नहीं है, पर उसमें अरेबिक है, हाँ वो अरेबिक है, अरेबिक है क्या पता नहीं, हाँ अरेबिक है ना, यहाँ पे अरेबिक लिखा है ना तो वो अरेबिक, और मतलब अरेबिक और इंग्लिश दो रहता है, ये ओनली इंग्लिश में, ये ले लो चलेगा, नहीं ये कलर उससे जमा सिल्वर गोल्ड वही दो, ओके दूसरा देखने दो, ये भी अरेबिक है, इंग्लिश मिलना सबसे बड़ा मुश्किल है, नहीं उसका कितना बताया, 512 GB का वो स्टारलाइट में कलर में ना, 512 वो अरेबिक है, इंग्लिश है देखो,
अरबी क्या इंग्लिश इंग्लिश इसका क्या बताया रेट इसका 5750 प्लस टैक्स टैक्स तो वापस आएगा 22 126000 इंडिया में क्या रेट है कलर के लिए एक्स्ट्रा डबल जीबी लेना पड़ा इतना नहीं होता है 50 GB भी चलेगा 50 GB चल जाएगा RDP चलाना मैकबुक प्रो नहीं चलेगा नहीं पर मैं ये एयरपोर्ट प्रो अच्छा है ना एयरपोर्ट प्रो में लेके 10 लेके गिफ्ट कर दो लोगों को प्रो में और थोड़ा वेट रहेगा बट ये ठीक है पतला है ना प्रो में पतला है ठीक है ये स्टारलाइट कलर है ना हाँ स्टारलाइट 512 GB ठीक है तो ये और अपना DJI का मिनी 3 प्रो DJI मिनी 3 प्रो हाँ फ्लाई मोर कॉम्बो RC वाला एंड फ्लाई मोर कॉम्बो का किट नहीं ये नहीं ये नहीं ये वाला फ्लाई मोर कॉम्बो किट है तुम्हें एक बैटरी वाला चाहिए डबल वो भी बैटरी चाहिए तो उसमें क्या तुम्हें डब्बा मिलेगा दो एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगा चार्जर मिलेगा एक एक्स्ट्रा ये मिलेगा ओके ये पूरा कंबाइन है और ये एक अलग है हाँ नहीं नहीं ये दोनों को तुम्हें लेना पड़ेगा दोनों का क्या प्राइस है अगर तुम्हें ओनली अगर बहुत कम उड़ाते हो देन ये ठीक है नहीं कम मीन्स इसमें कितना उड़ेगा आधा घंटा उड़ेगा इसमें भी दो है हाँ वो तो किट प्लस हो गया किट प्लस एंड किट हाँ हाँ किट इज तो ये 30 मिनट्स चल जाएगा 30 मिनट एक बैटरी आता है एक बैटरी आता है और एक्स्ट्रा चाहिए तो ये ले सकते हैं एक बैटरी एक्स्ट्रा सिर्फ बैटरी मिलेगी नहीं ये पूरा वही किट है ना दो आपको बेस्ट बैटरी मिल जाता है एक चार्जर मिल जाता है बैग में क्या प्राइस है दोनों मिला के कितना हो रहा है अपना ये प्राइमर किट हो गया प्रॉपर है ना मजा आएगा हाँ हाँ ये प्रॉपर है पूरा डिस्प्ले वाला भी है ना तो डिस्प्ले में दिखेगा तुम्हें सबसे प्रो है मेरे पास यही वाला ही नॉर्वे गया था ये नॉर्वे में पूरा यही यूज हुआ है इसका बिल इधर से ओके हाँ बना दो दोनों विंडोज i5 वही सेम वाला मॉडल 2200 अच्छा मॉडल 2200 ऐसे ही पूरा होता है ना पूरा कन्वर्टेबल और कितना मॉडल ही देख लो ना पूरा घुमा सकते हैं स्क्रीन को 2200 इसमें टैक्स नहीं है डायरेक्ट 2200 डायरेक्ट मिलेगा 45-46 thousand पकड़ ले PS5 का क्या रेट है यहाँ अभी PS5 आपको दो ऑप्शन है सीडी वर्सन भी है डिजिटल भी है नहीं नहीं सीडी डिस्क वाला 2500 सीडी वाला एडिशन मतलब विदाउट दिस या विद द किट ये तो पीस ये वाला बोलते हैं सीडी भी साथ में आता है हाँ ये इसके मतलब इसके बिना अगर चाहिए तो वो किट नहीं है ओनली PS4 अगर चाहिए वो नहीं है कितना बोले 2480 प्लस टैक्स है प्लस टैक्स ओके 2480 प्लस टैक्स 2300 का वो भी आएगा नीचे का नीचे वाला वो जो डिजिटल एडिशन तो PS5 ये दो ऑप्शन है डिजिटल विद द डिस्क वाला एडिशन इंडिया में तो मिलता ही नहीं है बहुत ज़्यादा बट ये तो हैवी इन स्टॉक तो आ गया अपने को फाइनली DJI मिनी 3 प्रो मैकबुक प्रो एप्पल स्टोर से कम ही एप्पल स्टोर का यहाँ पे प्राइस डिफरेंस क्या था कितना 10,000 प्राइस था 20,000 नहीं नहीं एप्पल स्टोर में 5,000 बोल रहा था ना 1,00,000 हाँ ठीक है 1,05,000 हाँ तो 10,000-12,000 का चलो आधा घंटा गाड़ी चलाने का 10,000 बच गया चलेगा और ये भी कम होता DJI मिनी 3 प्रो अगर मॉल से खरीदते हैं तो वो ज़्यादा वो 10,000 की 11,000 एक्स्ट्रा लगता है तो उसमें भी 10,000 बचा चलो 20,000 का सेविंग्स उस तरफ जाना है सिंगापुर के साथ अच्छा है? रहने के लिए नहीं अच्छा है इट्स गुड बट मतलब दुबई जैसा नहीं है दुबई में क्या मतलब इतने ऑप्शन से आप थक जाओगे और वेदर ओनली यही 2-3 महीना ही मतलब रहता है खतरनाक धूप मतलब अरे बाकी वेदर इंडिया से भी खतरनाक है अक्टूबर के बाद तो मतलब जबरदस्त मस्त है चलो वेज में क्या खाते हो वेज में तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है कितना दाल रोटी खाओगे नॉन वेज ट्राई करो तो कोई भी गुजराती खाते नहीं है क्या ये खाते हैं लोग ऐसा नहीं कि नहीं खाते मतलब खाते हैं लोग तो चिकन मटन वटन मतलब वहाँ के रेस्टोरेंट में मिलता नहीं है अंडे तो मिलते रेस्टोरेंट में मिलता है कम होते हैं हमारी सिटी में बहुत कम ओ मतलब वेज ज़्यादा मिलता है अहमदाबाद वो जगह है ओके यहाँ एक था देखो लिखा था एग वेज रोल हाँ एग वेज रोल तो तुम लोग एग भी नहीं खाते पर एग तो वेज है
वो है पर नहीं। ये किस साथ ही आ गया, ये अच्छा था तुम्हारा बटर मिल्क? बहुत अच्छा।